हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, राइट। सो आई होप प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन करना बताया है, राइट। सो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस हैं। सो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स इक्वेशंस एंड बेसिक स्टेप्स अगर मैं आपको पहले बता दूंगी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में, सो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जांपल्स फॉर चैप्टर 8, लेट्स फोकस ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप प्रीवियस क्लास 11 की बात करें, तो आई होप सब ने पैराबोला की इक्वेशंस, एलिप्स की इक्वेशंस, इवन हाइपरबोला ऑल्सो एंड नॉर्मल सर्कल की इक्वेशंस भी सबको पता होंगी। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे पैराबोला है, अगर आपके पास इक्वेशन वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो आपके पैराबोला का जो डायग्राम होगा वो इस एक्सिस की साइड बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से है, तो आपका पैराबोला अपर साइड की तरफ बनेगा, राइट। तो ये था पैराबोला के बारे में। तो ये इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है, इतना ध्यान रखना है लाइक कि अगर ये इक्वेशन है तो कैसा डायग्राम बनेगा, अगर ये इक्वेशन है तब कैसा डायग्राम बनेगा, राइट। सो सर्कल की इक्वेशन बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, अगर आपका सर्कल सेंटर पे है तब दैट मीन्स ये क्या है, 0.0 पॉइंट, राइट। अगर सर्कल एग्जैक्टली सेंटर पे है तब आपका सेंटर पॉइंट होगा 0.0। तो यहाँ पे 0, 0 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अगर आपका सेंटर डिफरेंट है, कहीं और है, तो दैट मीन्स a, b, यहाँ पे अब जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, राइट। एंड यहाँ पे रेडियस होता है आपका, सो ये बेसिक है आपका सर्कल की इक्वेशन। और अगर सेंटर पे हो तो ये जीरो हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे रेडियस जो भी होगा वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं एलिप्स। सो एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने दो बनाई हैं वैल्यूज़ लाइक दिस। डायग्राम्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है वो भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके एक्स स्क्वेयर के नीचे जो ए स्क्वेयर है वो बड़ा है, मतलब अगर एक्स स्क्वेयर के नीचे बड़ी वैल्यू है, तब आपका एलिप्स इस तरह से बनता है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर देख रहे हो यहाँ पे 5 वैल्यू बड़ी है 2 से, तो आपका एलिप्स इस तरह से बनेगा। अगर यही वैल्यू बी की बड़ी है ए से, मतलब कहने का मतलब है y के नीचे अब वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। अगर a b को अगर आप नहीं भी ध्यान में रखते हैं, सिर्फ इतना फोकस कर लो अगर x के नीचे वैल्यू बड़ी है तो आपका एलिप्स इस तरह से है, y के नीचे वैल्यू बड़ी है तो आपका एलिप्स इस y एक्सिस के अराउंड है ज़्यादा, ठीक है। सो आई होप आपको डायग्राम्स क्लियर हैं अब कि कैसे आपको बनाने हैं। एलिप्स का डायग्राम पता चल गया है, सर्कल का पता चल गया है एंड पैराबोला का। सो नाउ लेट्स मूव टू सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे अपनी एक्सरसाइजेस एंड सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। सो इस चैप्टर 8 में आपको शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है उस शेडेड रीजन का, ठीक है। सो शेडेड रीजन अगर फाइंड करना है और उसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, एक प्रॉपर स्टेप्स हैं, अगर वो आपको पता चल जाता है तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और क्वेश्चंस आपके जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम चूज़ किया है वो हेल्प ऑफ पैराबोला की हेल्प से मैं बताने जाऊँगी, ठीक है। सो आपके एक्सरसाइज में, सॉल्व एग्जांपल्स में पैराबोला के अलावा कोई भी फिगर आ सकती है, सर्कल, एलिप्स, व्हाटएवर, ओके। सो यहाँ पे जो मैं बेसिक स्टार्ट कर रही हूँ वो पैराबोला की हेल्प से कर रही हूँ। तो ये अगर आपको पहले भी आपने जस्ट इक्वेशंस अभी पढ़ी हैं पैराबोला की, देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको कि ये वाला जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। डेफिनेटली वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई हैं, तो बेसिक इक्वेशन आपको पता चल चुकी है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वेयर वाला है, एक्स स्क्वेयर 4ay, ठीक है।
इतना तो पता चल गया है कि आपके पास इक्वेशंस कैसे होंगी, ठीक है। सो बेसिकली आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा जाता है इस चैप्टर में। वो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे आपके पास ये फिगर है, हो सकता है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x हो, सपोज ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन गिवन में है, ठीक है। जब ये आपको इक्वेशन गिवन में है, ये इस तरह से गिवन हो सकती है, ठीक है। अब आपके पास अनदर फिगर क्या हो सकती है, एक आपको लाइन गिवन है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1। अब सपोज ये मैं मान लेती हूँ x इक्वल्स टू 1, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे जैसे कि एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, वो क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली मेंशन करेंगे आपको कौन से रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस इस चैप्टर में लैंग्वेज अगर समझ आ जाती है, लैंग्वेज इन द सेंस कि वो कौन से शेडेड रीजन की बात कर रहा है, तो अगर वो पता चल जाता है कि वो इस रीजन की बात कर रहा है तो आपको बस एरिया ही तो निकालना है, और वो भी बहुत ईजी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन करके निकालना है, वो भी हम बताएंगे कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रही हूँ कि आपके पास गिवन में क्या क्या होगा। आपके पास गिवन में इतना तो होगा कि आपको इतना चल जाएगा कि आपको रीजन कौन सा बनने वाला है जो आपका शेडेड रीजन होगा, और आपको उसका बस एरिया निकालना होगा। x equals to 1 means x पे 1 कहां पे होगा, यहां पे। तो मतलब x equals to 1 ये क्या है, लाइन है आपकी, देखा हो सकता है x एक्सिस। तो ये सब क्या है, वो एकदम बता रहा है कि आपको बाउंड्रीज कौन कौन सी लेनी है, मतलब पूरा जो है आपका एक रीजन बना रहा है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज होगी, एंड लास्ट हो सकता है वो आपको ये भी बता दे आपको कौन से क्वाड्रेंट में वो निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस x इक्वल्स टू 1 लाइन तक, एंड आपका ये इस तरह से पैराबोला बनेगा। ये 4 वैल्यूज देखते ही आपको ये फिगर खुद से बनानी है। तो फिगर क्या बनाए हुए, इक्वेशन देख के पता चल जाएगा कि पैराबोला इस तरह से बन रहा है। x इक्वल्स टू 1 ये लाइन होगी, x एक्सिस ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना सा पोर्शन है। तो लेकिन इन सभी वैल्यूज़ का जो कंबाइन करके जो रीजन बनेगा वो शेड करेंगे आप, और उसका एरिया निकालेंगे, राइट। यहाँ पे ये पैराबोला बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ इतना है, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपको नहीं निकालना है। x इक्वल्स टू 1 तक ये पैराबोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये एक्स एक्सिस, तो यही पोर्शन आपका बनता है आपका जो शेडेड रीजन, इसका आपको एरिया निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, राइट। कितनी सारी लाइंस का कम्बिनेशन है वो रीजन पूरा, राइट। यहाँ पे उस एक लाइन को जूम करके देखेंगे तो इस तरह से वो एक थिक लाइन आपको दिखेगी, ठीक है, या आप इसको एक बार कह सकते हो। अब ये जो बार है, ये जितने भी कंबाइन करके बार, जितना भी कंबाइन कर देंगे, इन सबका जो टोटल होगा वो बनेगा हमारा एक पूरा रीजन, राइट। तो वो ही आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। तो वो कैसे होगा, देखो ये थिकनेस है जितनी, वो क्या है कि वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो चेंज है, मतलब इतना सा स्मॉलर पार्ट जो है वो एक क्या है, चेंज है, उसको हम क्या कहते हैं, डी एक्स। कब, जब ये एक्स एक्सिस पे है, और इसकी हाइट जो है वो ये क्या है, ये देख रहे हो ये क्या है, वाई एक्सिस, तो ये हाइट भी क्या है, वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन है, राइट। तो ये जो है लाइन कितनी हाइट की है, वाई हाइट की है। तो यहाँ पर इसको और देखने से पहले आगे यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लिखा है सपोज मैंने एरिया, अगर आपको इंटीग्रल इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है। सपोज ए मेरा एरिया है, मुझे अगर एरिया निकालना है तो मतलब जैसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू होती है, और साथ में जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हैं तो वो चेंज आता है, चेंज बोलते हैं डी एक्स को, डिफरेंशियल आपने पढ़ा हो तो वो वहीं से डी एक्स वैल्यू आती है, राइट। तो वही डी एक्स आपका, जैसे ए है तो इसका चेंज क्या है, एरिया का चेंज क्या होगा, डी ए, है ना। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया इन द फॉर्म ऑफ ए, हमारे पास जो जनरल में होता है या तो डी एक्स के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई एक्सिस ही तो हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, और ये जो चेंज है
ये जो लाइन है, ये जो पूरा बार है, ये छोटी सी वैल्यू ये एक्स एक्सिस पे है अगर, तो तब आप यहाँ पे इसको डी एक्स लिखेंगे। यही अगर ये लाइन अगर चेंज जो है ये अगर वाई लाइन को टच कर रही होती, ये वाई एक्सिस है। अब देखो ये वाला पैराबोला इधर वाला, ठीक है, ये ऊपर को बना है, ये पोर्शन अब क्या होगा डी वाई। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है चेंज, ये एक्स एक्सिस पे चेंज है, तो ये वाला पोर्शन क्या है डी एक्स, और इसकी हाइट y एक्सिस तक है, है ना। तो यहाँ पे इसकी हाइट x एक्सिस तक है, तो इसको हम देखते हैं नाम x और इसको dy। वाई ऐसी अगर जब इस तरह से है तो y dx। तो ये जो आपका एक बार है ये आपको क्या बताता है कि आपको इस रीजन में आपका ये जो है लाई कर रहा है, ये आपको एक प्रॉपर फंक्शन देगा और किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है वो वैल्यू देगा। तो यहीं से पता चल जाता है ये हाइट क्या है y और ये चेंज क्या है dx। तो ये पूरी वैल्यू अगर आपने लिखनी है y dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मुझे सारी लाइंस चाहिए, अभी मैंने एक लाइन आपको जूम करके दिखाई जिसका मतलब है y dx, अगर ये मुझे सारी लाइंस चाहिए, क्योंकि ये पूरा एरिया चाहिए, सिर्फ इतना थोड़ी चाहिए, है ना, सारा एरिया चाहिए, तो इसकी लिमिट्स भी तो चाहिए होंगी। लिमिट्स मतलब ये पॉइंट क्या है ज़ीरो और ये क्या है वन, तो ये है ज़ीरो से लेके वन, तो इसकी लिमिट ज़ीरो से वन आप लगा देंगे। और अब यहाँ पे वाई का मतलब कहाँ से आएगा, यहाँ से वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने इक्वेशन जो ली है, फॉर एग्जांपल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्स, तो वाई की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो ये देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे y लिखा है और dx लिखा है, अगर y लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेशन होगा, सो डोंट वरी, ये अल्टीमेटली पूरा x की फॉर्म में ही इंटीग्रेट होगा। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये कब है, जब आपके पास इस तरह से इक्वेशन आएगी, आपका पैराबोला जब इस तरह से बनेगा, तब आपको इसका रीजन, यहाँ पे 1 ही क्यों लिया, क्योंकि आपको एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1 गिवन था, एक्स एक्सिस तक ही निकालना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना था, इस पैराबोला इक्वेशन में ही निकालना था, तभी ये रीजन एरिया शेड हुआ है। और ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी इंटीग्रेशन की हेल्प से ही निकलेंगी एरिया, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन से ही निकालना है। तो यहाँ पे वो मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, द प्रोसेस भी बता दिए हैं कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, उस एरिया का इंटीग्रेशन की हेल्प से ही निकाल रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स आपको अगर इन सभी लाइन्स को कंबाइन करके वैल्यूज़ चाहिए, तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी। ये हो जाएगा ज़ीरो, ये होगी आपके पास लाइन सपोज x इक्वल्स टू वन, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड होंगी, गिवन होंगी कि आपको कौन सा रीजन शेड करना है। तो इन सब गिवन वैल्यूज़ की हेल्प से ही आपको पता चल जाएगा। तो यही बात करते हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री वाई गिवन होती, तो मैं ऐसा डायग्राम बनाती, और मेरे पास अगर यहाँ पे सपोज y इक्वल्स टू टू गिवन होगा, y एक्सिस पे निकालना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक निकालना है, तो तभी मैंने सिर्फ इतना पोर्शन शेड किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ये, y एक्सिस हुई ये, तो यहाँ पर मैंने इसको डी वाई लिख दिया। क्योंकि अगर मैं एक लाइन की बात करूँ तो, और हम हमेशा अपने जो वर्किंग प्रोसेस करते हैं, अपनी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम एक ही बार ड्रॉ करेंगे और अपने एरिया को शेड करके ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन ये बार को डार्क कर देंगे, क्योंकि हम इस लाइन थिक लाइन से ही अपना आइडिया लगाते हैं कि हमें इंटीग्रेट कौन सी वैल्यूज़ को करना है, राइट। सो यहाँ पर मैं एक्स डी वाई, क्योंकि ये क्या है एक्स हाइट का है, तो ये एक्स है और ये क्या है डी वाई चेंज, तो यहाँ पे मैं एक्स डी वाई को इंटीग्रेट करूँगी। लिमिट्स अभी जैसे मैंने बताया कि आपको वाई इक्वल्स टू टू, तो ये क्या है टू, लाइन वाई इज इक्वल्स टू टू ऐसे ड्रॉ होगी, राइट। तो ये पॉइंट क्या है टू और ये ज़ीरो से स्टार्ट है, तो ये अगर मुझे सारा रीजन चाहिए था तो ये ज़ीरो से लेके कहाँ तक है टू तक, और ये x dy आपका इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से x जो है आपका इजीली पता चल जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई, तो एग्जैक्टली आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, रूट थ्री वाई डी वाई का। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन इजीली आ जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपका बार है, ये जो थिक बार, ये जो मैं आपके पास बात कर रही हूँ इसकी, तो ये एक्चुअल में टच किसको कर रहा है,
ये टच किसको कर रहा है, इस पैराबोला को। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो y से मेरा मतलब क्या हुआ था, मतलब ये उसी इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन ही निकल के यहाँ पर हम लिख रहे हैं, राइट। सो इतना क्लियर है कि ये जो बार है आपको बताता है कि आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी है और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। सो मेन जो बात है वो सारी इसी बार के ऊपर है, बार इन द सेंस ये जो आपके पास जैसे थिक लाइन आपके पास, ये मैंने आपको जूम करके बता दी है। सो इतना सा अगर आप बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी इस चैप्टर में। सो अदरवाइज अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इतना क्लियर नहीं पता चला है, तो डोंट गेट कंफ्यूज और डोंट वरी, हम एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स में हर एक स्टेप अच्छे से क्लियरली आपको मैं मेंशन करके बताऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।